हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। अभी सऊदी ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ से कैंसिल किया, कहते हैं हमने नहीं बनाना यहाँ पे अपनी ऑयल रिफाइनरी। अच्छा, किस दुनिया में जी रहे हैं आप भाई मेरे? मेरी कोई बात नहीं, ना लगाएं सऊदी अरब, कोई इशू नहीं, यहाँ आवाम मर तो नहीं रही। हमारी इकोनॉमी सेट है, देखें ये इकोनॉमी हमारी सेट है, हमें देखें। आप भी नहीं सुने, आप भी पाकिस्तानी है, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी। बैज आपने भी लगाया और बैज आपने मुझे भी दिया है। जरा अभी आप ऑनेस्टली मुझे बताइएगा, इकोनॉमी में कौन से नंबर पे? अब मैं बहस नहीं चाहती आपसे, बताए यार मेरे ना, मैं काउंटिंग पे नहीं जाता। इंडिया देखें, इंडिया से हमारा कोई ना रिलेशन है, ना हमें इंडिया की जरूरत है। दूसरी और भी आपकी नहीं है उनके साथ हमारी कोई कंपैरिजन कर नहीं सकते, क्योंकि वो 1 अरब 20 करोड़ है, हम सिर्फ 20-25 करोड़ है। फिर आपका कंपैरिजन बांग्लादेश से कर ले, नेपाल से कर ले। बांग्लादेश भी हमारे किसी खाते में नहीं है, क्योंकि हमारे पास हम सुपर पावर्स हैं, इसलिए हमें छोटे कंट्रीज की तरफ नहीं देखना। ना ही कहा कि सुपर पावर है, इकोनॉमी आपकी कहा है, आपकी एक्सपोर्ट्स कहा है, हमारी एजुकेशन कहा है, हमारी आईटी की एक्सपोर्ट टेक्सटाइल कहा है, स्टील मिल का है, जरा मुझे इतना तो बताएं आप। दूसरी बात, आप कहते हैं ना हम सुपर पावर है और भारत की आबादी जो है वो 1.5 बिलियन की है, तो चले फिर जापान के साथ कंपैरिजन कर लेती हूँ, फिर मैं बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन करवा लेती हूँ। जरा करें आप फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएं मुझे। देखिए मैं अब बाकी डिटेल में इतना नहीं जाना चाहता, आप एक ही जगह स्टैंड है, ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, आप भी इसी जगह लगी हुई है। इनका रुपया वहीं का वहीं है, ना रुपया ऊपर गया ना नीचे गया, इनका पाकिस्तान का। वो इसीलिए कि आपका एकदम सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हुआ है? मेरा मैच मेरी बात, हमारा रुपया ऊपर नीचे इसलिए नहीं जाता, जो मैं आपको मेन चीज बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का खर्चा ही कोई नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में, मैं हूँ शैलेश। दोस्तों चलिए पहले ये कॉमेडी शो देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो जो है वो निमरा अहमद का है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एशिया में हमारी पावर काफी है, हमें कोई इशू नहीं है एटॉमिक बम के लिहाज से। हाँ जी बिल्कुल, एटॉमिक बम को तो कोई पूछ नहीं रहा, क्योंकि इस वक्त सुनिए ना मेरी बात सुन लीजिए। देखिए इस्लामिक ममालिक के पास चाहे एटॉमिक बम नहीं है, लेकिन इकोनॉमी उनकी अच्छी जा रही है। तेल बेच पे देखिए, आप सऊदी से मिसाल ले लेना, तेल बेच के वो हमसे आगे, हम उनसे कर्जा मांगते हैं। भारत भी है वो एटॉमिक पावर है, चाइना के पास भी एटॉमिक बम है, यूएसए के पास भी एटॉमिक बम है, कोल्ड वॉर है, इकोनॉमी की वॉर है। लेकिन इकोनॉमी में हमारा दबदबा नहीं है, इकोनॉमी हमारा दबदबा नहीं है, नो इशू, हमें कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले मेरे पाकिस्तानियों, मेरा भी चैनल है आई लव पाकिस्तान, हमें किसी की इकोनॉमी, हमें यहाँ डॉलर नहीं चलाने, हमें कायदे आजम की फोटो वाला नोट चाहिए। आप लोगों की ये मेंटेलिटी है, मैं डॉलर कमाऊं, मैं ये करूं, मैं सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान अपनी ट्रेड पाकिस्तान रुपीस में करके दिखाए ना, कोई बात नहीं, लेकिन हम करेंगे, कोई बात नहीं। 70 साल से ये प्रॉब्लम हुई है, हमने वर्ल्ड बैंक का पैसा इतना चढ़ा लिया, गवर्नमेंट हर साल पैसा लेती रहती है और IMF का भी, जिसकी वजह से पाकिस्तान का ये हाल है। लेकिन कोई इशू नहीं है, हम लोग आजादी से रहते हैं। दूसरा मैं आपको बम की बात बता रहा हूँ, डरना नहीं है, सबसे पहले घबराना नहीं है। मैं आपको जो मिसाइल की बात बता रहा हूँ, आपके लिए मिसाइल, जिन कंट्री के पास मिसाइल नहीं है उनका यूक्रेन जैसा हाल होता है और गजा जैसा हाल होता है। मिसाइल दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ है और नंबर 1 हाँ, हाँ, दुनिया की जो सबसे, देखें आपका मुल्क सिक्योर होगा तो आप बिजनेस करेंगे, आपकी इकोनॉमी होगी। जब आपके पास मुल्क ही नहीं है, एटॉमिक बॉम्ब और ये डिफेंस पर बजट लगाना, मैं समझती हूँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, मैं उस चीज सुने ना, मैं उसको उस चीज से इनकार नहीं कर रही, मैं इकोनॉमी पर बात कर रही हूँ। भाई देखें, आप दुनिया में जहाँ वर्ल्ड बैंक के पास हम पैसे मांगते हैं, IMF के पास हम पैसे मांगते हैं, उनको हम ये बताएंगे, बम चलाकर उनको हम ये बताएंगे हम पावरफुल है, देखो हमारी तरफ, उनको बताने की जरूरत नहीं है। मेरी माई बिलोड सिस्टर, उनको बताने की जरूरत नहीं है, उन्होंने देखा हुआ है वो पाकिस्तान। देखिए एक मैं छोटी सी आपको एग्जाम्पल देता हूँ, पाकिस्तान छोड़े आप, यूक्रेन वाले जाएंगे वर्ल्ड बैंक के बाद उनको पैसा देंगे? वो कभी भी नहीं जाएंगे। यूक्रेन हो गया, ये गजा हो गया, जिन कंट्री में जंग है जहाँ मिसाइल नहीं है वो जाएंगे वर्ल्ड बैंक के पास या IMF के पास, वो उनको कजरा नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ कोई हुकूमत नहीं है, वहाँ कोई आपको भी नहीं रहे, क्योंकि आपने उनके पैसे ही वापस एसेट्स उन्होंने खाता, अपने एसेट्स दिखाए हमें, हद हो गई है, आप पे रिस्ट्रिक्शन इतनी लगाते हैं। मेरी बात सुने, देखिए वो देश ने हम ले ही बहुत कुछ लिया है, 40 साल में हमने वर्ल्ड बैंक और IMF से इतने पैसे ले लिए हैं कि हर साल दिसंबर के अंदर हम वर्ल्ड बैंक की 10 अरब डॉलर सॉरी उसकी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। पूरी कौम मेहनत करती है, पैसा कमाती है और उठा के हम वर्ल्ड बैंक को पैसे दे देते हैं। अगर हम इतनी इंस्टॉलमेंट टाइम पर देते ना तो वो कहते ना अपने एसेट शो करवाओ, ट्रस्ट नहीं है तुम लोगों पे, हाथ धो गई है। इन्होंने एसेट शो करने का मतलब ये नहीं कि एसेट उन्हें दे दे, देखिए शो करवाएं कि किसके पास कितने एसेट्स हैं। देखिए हमारे पास एसेट्स हैं तो वो हमें बार बार पैसा दे रहे हैं, और हमारे पास सबसे, मैंने आपको कहा मेरी बहन देखें, सऊदी ने तो आपको पैसा देने से इनकार कर दिया था, आप क्या बातें करें, कोई भी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। अभी सऊदी ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ से कैंसिल किया, कहते हैं हमने नहीं बनाना यहाँ पे अपनी ऑयल रिफाइनरी। अच्छा, किस दुनिया में जी रहे हैं आप भाई मेरे? मेरी कोई बात नहीं, ना लगाएं सऊदी अरब, कोई इशू नहीं, यहाँ आवाम मर तो नहीं रही। बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं,
उनको किस तरीके से हम सही करें। आप कह रहे हैं ना घबराने की जरूरत नहीं है, यही पॉइंट हमें ले डूबा है, हमें इस वक्त बहुत घबराने की जरूरत है भाई मेरे। देखे मेरी बात सुनिए मेरी बहन, देखे घबराना तो तब होता है जब आपको पता हो कि आगे खाई है। खाई नहीं है हमारे, हमारे आगे कोई खाई नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आपने कल की फिक्र अच्छे में करनी है और टेंशन नहीं लेनी और आज का दिन बेस्ट होना चाहिए। God help those who help themselves, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो आप तो कह रहे हैं हमें हमारे आगे कुछ आया ही नहीं, हम तो बड़े खुशहाल हैं। हमारे आगे मैंने ये नहीं कहा, ये आपने कहा है। मैंने कहा हमारे आगे बहुत कुछ है, पूरी दुनिया। आपने बोला हमारे आगे खाई नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप नहीं, आप डरना, मैंने अगर डरना तब चाहिए जब आपकी खाई हो। जब हमारे पास खाई कोई भी नहीं है, हमारे पास दुनिया की सारी चीजें, बड़ा ब्राइट है हमारे कंट्री का माशाल्लाह फ्यूचर दी बेस्ट है मेरी जान। और आपको इस कंट्री में रहकर सबसे ज्यादा खुश इस वजह से होना चाहिए कि आप लोग आजादी से रहते हैं। कश्मीर में 70 साल से जंग है, फलस्तीन में को तो उन्होंने भाई, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, अभी उसको छोड़ के इकोनॉमी पे आ जाए मेरे भाई। हमारी इकोनॉमी सेट है, देखें ये इकोनॉमी हमारी सेट है, हमें देखें आप भी नहीं सुने, आप भी पाकिस्तानी है, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी, बैज आपने भी लगाया, बैज आपने मुझे भी दिया है। जरा सुन, अभी आप ऑनेस्टली मुझे बताइएगा इकोनॉमी में कौन से नंबर पे, अब मैं बहस नहीं चाहती आपसे बताए। यार मेरे ना मैं काउंटिंग पे नहीं जाता, काउंटिंग पे क्यों नहीं जाते, काउंटिंग पे जाने की जरूरत नहीं है। आम आवाम जो है वो जो सिलेक्टिव है ना, जो काउंटिंग को सिलेक्ट करती है वो छोटे हैं, लेकिन आम आवाम ने काम करना है, आम आवाम ने अपनी जिंदगी गुजारने के लिए खुद ही काम करना है, खुद ही मेहनत करनी है, खुद ही पैसे कमाना है। सुने आपका दुनिया में नाम कब होगा, आपकी इकोनॉमी जीडीपी जब सेट होगी, आपका 47वें नंबर पे हम, मैं तो नाम क्या बात कर रहे हैं। 47 से भी कोई इशू नहीं है इस कंट्री में रहने का, हमें कोई इशू नहीं है, हम जिस मर्जी नंबर पे हों लेकिन हम खुद दी बेस्ट हैं पाकिस्तानी। हर इंसान को जब बाकी बाहर जाने की पड़ी है कि मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊं, तो फिर आप इकोनॉमी कैसे सेट करेंगी। सारे डॉक्टर जितने अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं सब बाहर है, डॉक्टर इंजीनियर बढ़ते बाहर जा जाते हैं। तो क्यों जा रहे हैं बाहर, ये सोचा आपने कभी? ये देखिए आपको भी आज मैं वीजा की ऑफर करूँ ना, अगले दिन आप भी पहुंचे होंगे उधर। मेरी माशाल्लाह पूरी फैमिली आउट ऑफ कंट्री है, मेरे सारे फ्रेंड्स आउट ऑफ, ये लो लेकिन वो मुझे बुलाती है, मैं नहीं जाता, कह रही है मेरी सारी कंट्री, मेरी सारी फैमिली आउट ऑफ कंट्री, मैंने अपनी जिंदगी गुजारनी है, मैं अपनी गुजारता, मुझे ये कंट्री। मेरी बात सुने, हम चाहते हैं पाकिस्तान आगे बढ़े, हम चाहते हैं, हम पाकिस्तानी है, हम डिजर्व करते आगे बढ़ना, लेकिन ये तभी होगा जब हम मेहनत करेंगे। आप कह रहे हम 47वें नंबर पे खुश है, भाई मेहनत करोगे आगे बढ़ोगे, ये कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है, आप रिश्वत दोगे तो आगे आगे कर देंगे। मेहनत देखिए हार्ड और स्मार्ट, पाकिस्तान में प्रॉब्लम देखिए हार्ड मजदूर सारा दिन काम करता है, ईंटें उठाता है तो वो हार्ड काम करता है, 1000 मिलता है, वही इंसान पढ़ लिख के काम करेगा उसको 10,000 गुना बेहतर। अच्छा, लिख नहीं रहे लोग, हार्ड काम नहीं करना, मेहनत करनी है, लेकिन आपने स्मार्ट काम में कि स्मार्ट आप होंगे तो आपकी मेहनत भी रायगा नहीं जाएगी। यार इंडिया देखे, इंडिया से हमारा कोई ना रिलेशन है, ना हमें इंडिया की जरूरत है दूसरी, और आपकी नहीं है, उनके साथ हमारे हमारी कोई कंपैरिजन कर नहीं सकते क्योंकि वो 1 अरब 20 करोड़ है, हम सिर्फ 20-25 करोड़ है। फिर आपका कंपैरिजन बांग्लादेश से कर ले, नेपाल से कर ले। बांग्लादेश भी हमारे किसी खाते में नहीं है क्योंकि हमारे पास हम सुपर पावर हैं, इसलिए हमें छोटे कंट्रीज की तरफ नहीं देखना, ना ही कहा कि सुपर पावर है। इकोनॉमी आपकी कहाँ है, आपकी एक्सपोर्ट्स कहाँ है, हमारी एजुकेशन कहाँ है, हमारी आईटी की एक्सपोर्ट टेक्सटाइल कहाँ है, स्टील मिल कहाँ है, जरा मुझे इतना तो बताएं आप। दूसरी बात, आप कहते हैं हम सुपर पावर है और भारत की आबादी जो वो 1.5 बिलियन की है, तो चले फिर जापान के साथ कंपैरिजन कर लेती हूँ, फिर मैं बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन करवा लेती हूँ, जरा करें फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएं मुझे। देखिए मैं अब बाकी डिटेल में इतना नहीं जाना चाहता, डिटेल में उस पे दूंगा ये, इधर दे, आप इंटरव्यू इधर दे रहे हैं कि आपने उधर देनी है। डिटेल में मेरी जान, देखिए मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, देखिए हर कंट्री की ना अपने सिस्टम है पैसे कमाने के, हमारे पास जो पैसा आता है ना वो गायब हो जाता है। सबसे ज्यादा इश्यू ये है कि हमारे पास हम जो वर्ल्ड बैंक की इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं ना वो सिर्फ मार्कअप है, प्रिंसिपल वहीं स्टैंड है। चलिए कि 70 साल से आप एक ही जगह स्टैंड है, ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, आप भी इसी जगह लगी हुई है, इनका रुपया वहीं का वहीं है, ना रुपया ऊपर गया ना नीचे गया इनका, पाकिस्तान का, वो इसीलिए कि आपका एकदम सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हुआ है। मेरा मेरी बात, हमारा रुपया ऊपर नीचे इसलिए नहीं जाता, जो मैं आपको मेन चीज बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का खर्चा ही कोई नहीं है, हम लोगों की जमीन ही सब कुछ दे रही है। हमारा देखिए हमारा यहाँ पे 200 रुपए के 5 आम है, वहाँ किसी और कंट्री में जाएं वहाँ 5,000 रुपए के 5 आम है। आपको ये मैं थ्योरी पे आपकी मैं कहती हूँ, वाओ क्या रिसर्च है आपकी, क्या रिसर्च है, डॉलर रेट हमारा आसमान को छू रहा, कह रहे हैं हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन ही नहीं है, भाई मेरे गुड मॉर्निंग। डॉलर देखे ऊपर नहीं जा रहे हैं, पाकिस्तानी रुपया तो वही है ना, उसकी वर्ड तो ऊपर नहीं गई ना, कि वो कहीं ऊपर चला, हमारी देखे जब डॉलर ऊपर जाता है पाकिस्तानी रुपया नीचे आता है, इतना कॉन्सेप्ट पता है ना आपको, बिल्कुल नीचे आता है, लेकिन उसे फिर डीडॉलराइजेशन करनी है, लेकिन हम नहीं कर सकते अभी। तो दोस्तों देखा आपने एक और पाकिस्तानी की कॉमेडी शो को,
भाई बोल रहा है कि हम एशिया में बहुत पावरफुल है, सुपर पावर हैं हम, हमारी इकोनॉमी सेट है, हमारा जो पैसे की वैल्यू ना बढ़ रही है ना घट रही है, इसको पता नहीं है कि पैसे की वैल्यू इतनी घटी है कि 1 डॉलर 300 का हो गया है। लेकिन भाई को अभी बोल रहा है कि नहीं, हमारी तो स्टेबल है, पैसे की वैल्यू ना घट रही है ना बढ़ रही है। काफ़ी कॉमेडी की है इस भाई ने, आप कमेंट्स करके बताइएगा आपको इसकी कॉमेडी कैसी लगी इस भाई की। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।